नवी मुंबई नेटवर्क। अपने सामाजिक कार्यों से लोगों के दिलों में अनोखी छाप छोड़ने वाले घंटसोली प्रभाग क्रमांक 36 के समाज सेवक जुल्फिकर कुरैशी द्वारा अपने जन्मदिन के खास मौके पर घंटसोली सेक्टर 3 ब्लॉसम सोसाइटी में 18 से 65 साल की उम्र के नागरिकों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान को गति दी गई। रिलायंस हॉस्पिटल के कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में इस टीकाकरण अभियान में जुल्फिकर कुरैशी, उनके बेटे जमीर कुरैशी और उनके एक्टिव टीम के सदस्यों ने संपूर्ण टीकाकरण मुहिम को सुचारू रूप से अंजाम देने में अहम भूमिका अख्तियार की। बेहद शिष्टबद्ध नियोजन, योग्य समन्वय व कोरोना सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करते हुए इस टीकाकरण अभियान को अंजाम दिया गया। इस टीकाकरण अभियान में न केवल घंटसोली बल्कि कोपरखैरनी और आसपास के नागरिकों ने भी अपनी मौजूदगी दिखाकर इस टीकाकरण अभियान के आयोजन को सफल बनाया। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जुल्फिकार कुरैशी ने इस मुफ्त कोरोना टीकाकरण मुहिम के आयोजन के पीछे का मकसद बताया। जगभरात कोरोना तैमान घातलेला असल्यामुळे आणि आपल्या नवी मुंबईमध्ये आपले जे आमच्या प्रभागातले लोक आहेत त्यांना लसीचा तुटवडा बसला होता। इकडे जा तिकडे जा तिथे त्यांना लस मिळत नव्हती। संध्याकाळपर्यंत त्यांचे बरेचसे लोकांची माझ्या कानापर्यंत त्यांची आक आली। त्या उद्देशातून मी माझा हे प्रोग्राम आयोजित केलेला आहे। हमेशा ही घंटसोली प्रभाग क्रमांक 36 में सक्रिय रूप से अपनी सेवा भाव को अंजाम देने वाले और नागरिकों के हर सुख दुख में शामिल जुल्फिकर कुरैशी के सामाजिक कार्यों का ही परिणाम है कि उनके इन्हीं निस्वार्थ कार्यों का परचम प्रभाग के हर नागरिकों के जहन में सर चढ़ कर बोल रहा है। ऐसे में आज के इस कोरोना के कठिन दौर में जहां लोगों को पैसे भरकर कोरोना वैक्सीन लगवाने को बाध्य होना पड़ रहा है, ऐसी घड़ी में अपनी जनता के आरोग्य सेवा को प्राथमिकता देने वाले जुल्फिकर कुरैशी के यह कार्य आज मील का पत्थर बनकर साबित हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आज के दौर में समय की जरूरत है। कुरैशी साहेबांचं कार्य पहले पासून चांगला आहे। समाज कार्य त्यांचा मोलाचा वाटा असतो आणि आज या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोरोना काळात त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त घनसोली विभागात त्यांनी मोफत लसीचं आयोजन केलेलं आहे। त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त जनतेला सहकार्य करण्याचा एक प्रयत्न केलेला आहे आणि ही लस उपलब्ध करून दिलेली आहे। सर्वसामान्य जनता त्याचा लाभ घेत आहे। हे कुरैशी साहेबांचं समाजकार्य नेहमीच चालू असतं। उदंड आयुष्य लाभ हो हीच इच्छा व्यक्त करते। असं समाजकार्य साहेब चालू ठेवा आणि जनतेला त्याचा लाभ होईल। त्यांनी काही खर्च न घेता ही लस सर्वांसाठी उपलब्ध केले। जनतेच्या सेवेसाठी खास त्यांनी आज हे काम केल्याबद्दल मी त्यांचे आभारी मानते। हमने काफी तलाश की यहाँ आजूबाजू में देने की, पर हमें कहीं सुविधा हुई नहीं इस टाइम पे। जैसे कि हम 18 प्लस अभावी है, तो हमारे जुल्फिकर कुरैशी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एंड मूवमेंट पे सबके लिए जो फ्री सुविधाएं दी है रिलायंस हॉस्पिटल थ्रू कि सबको वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज की, वो बहुत बड़ा उपलब्धि हमें अच्छा लगा। और जो आज वो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं लोगों में, और आज जो फ्री कैंप का ऑर्गेनाइज किया था वैक्सीन का, ये तो बहुत अच्छा ही काम है, क्योंकि आज जो देश महामारी से गुजर रहा है उसके लिए वैक्सीन की ज़रूरी है और वो लोगों को फ्री में वैक्सीन लगवाए, इसके लिए मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ। त्यांचे खूप खूप धन्यवाद करत आहोत। त्यांनी आम्हाला सगळ्यांना त्यांच्या तर्फे लस दिली त्याच्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभार मानतो। सध्याचा जो पीरियड चालू आहे की लोक वन फिरत आहेत वैक्सीनसाठी, ट्रीटमेंटपासून सगळ्याच गोष्टींसाठी, पण कुरैशी साहेबांच्या माध्यमातून आमच्या एवढ्या सगळ्या लोकांना जी लस उपलब्ध झाली ती पण मोफत, तो त्यांचे खूप धन्यवाद आमच्या सगळ्यांच्या तर्फे। हा जो लसीकरण त्यांनी मोफत ठेवलेला आहे वाढदिवसानिमित्त, त्याबद्दल मी त्यांना मी शुभेच्छा देतो। हे चांगलं काम त्यांनी केलेलं आहे। कोविड पॉलिसी ज्या फ्रीमध्ये ज्या वाटप केला त्याबद्दल मला नारायण यांना त्यांचा चांगलाच लाभ झाला। कोविड झाल्यानंतरही त्यांचा लाभ झाला। कोविड ती 50,000 पॉलिसी होती, ते 50,000 पॉलिसीचा आम्हाला लाभ झाला कोविड झाल्यानंतर। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।